हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी है, उसका आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप अभी मेरे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैंने गैलरी बनाई है जो टोटली बेस्ड ऑन डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के मदद से मैंने बनाई है। तो आज के सेशन में हम यही गैलरी बनाने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी को हम कॉलम के अंदर, कोई भी आइटम्स आपको दिखानी है तो किस तरह से आप डीआईवी का स्ट्रक्चर लगा सकते हैं और किस तरह से इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबलाइम एडिटर ओपन कर लिया है और फाइल को मैंने सेव कर दिया है विथ नेम file1.html। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे html का एक कोड बना लूँगा। ओके, तो यहाँ पे टाइटल में दे देता हूँ गैलरी। उसके बाद मुझे एक css की फाइल बनानी है, तो मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगेन एक css का फोल्डर बनाऊंगा, इसके अंदर मेरी css की फाइल में सेव करूँगा। तो यहाँ पे मैं नाम मैंने दे दिया style.css। ओके, तो इस फाइल को मुझे यहाँ पे लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे लिंक टैग लगाऊंगा। लिंक के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया है स्टाइल सेट, और उसके बाद मैंने दिया है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लेस css, और उसके बाद मैंने दिया है href। href के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा css/style.css। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक स्टाइल को लिंक कर दिया है। उसके बाद तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम कोई भी टेम्पलेट बनाएंगे तो उससे पहले बेसिक सा जो कोड है वो आपको कहीं पे भी आप टेम्पलेट बना रहे हो तो उसके अंदर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे एलिमेंट्स है उसको आप डिफॉल्ट जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार करके, यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉक्स डैश साइजिंग। और मैंने यहाँ पे दे दिया है बॉर्डर डैश बॉक्स। ओके, उसके बाद में बॉडी टैग यहाँ पे लिखूंगा h1 h2 h3, उसके बाद यहाँ पे ul li, उसके बाद p टैग। ओके, इतने सारे जो टैग है उसके जो डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि आप जो कोई भी ये टैग लिखोगे तो उसके अंदर मार्जिन होता है और पैडिंग होता है। तो सबसे पहले मैं मार्जिन पैडिंग को यहाँ पे 0 pixel सेट कर देता हूँ, और उसके बाद बॉडी टैग के अंदर मुझे यहाँ पे एक फॉन्ट मुझे रखना है, तो मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। ओके, मुझे यहाँ पे एरियल फॉन्ट रखना है, तो मुझे यहाँ पे मैंने एरियल यहाँ पे लिख दिया है। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे आप डिज़ाइन को देखोगे तो मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, फिर भी ये डिज़ाइन सेंटर के अंदर प्रॉपरली यहाँ पे सेट हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे कंटेनर लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर क्लास मैंने बना दिया है, और कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे विथ उसके सेट कर रहा हूँ 1170 pixel। उसके बाद उसको सेंटर में लिखने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मार्जिन ऑटो। ओके, तो मैंने कंटेनर भी यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद जो भी इमेजेस वगैरह है वो कई बार ऐसा होता है कि इमेज आप जो भी नेट पर से डाउनलोड करोगे वो काफ़ी साइज़ के अंदर बड़ी होती है तो हमारे बॉक्स के अंदर वो फिट नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इमेज को यहाँ पे मैक्सिमम विथ लगा देते हैं कि मैक्सिमम विथ 100% हो जाए, मतलब कि वो जो कोई भी कंटेनर के अंदर जहाँ पे इमेज हमने रखी है वो कंटेनर की जो भी साइज़ होगी उसके मुताबिक इमेज की साइज़ बन जाएगी। तो मैंने इमेज को भी यहाँ पे मैक्स विथ 100 लिख दिया है। उसके बाद मान लो कि कोई जगह पे आप एंकर टैग वगैरह का कोई यूज़ कर रहे हो तो एंकर टैग के लिए आपको यहाँ पे हम दे देते हैं डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, राइट। इससे क्या होगा, एंकर टैग को आप पैडिंग वगैरह आराम से दे सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना क्या होता है, एंकर टैग को पैडिंग वगैरह अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक लिखना ज़रूरी है। ओके, तो मैंने एंकर टैग भी लिख दिया, इमेज टैग भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, उसके बाद कंटेनर मैंने डिफाइन कर दिया है,
ओके okay, अब इसके बाद मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे मुझे गैलरी बनानी है, तो कि गैलरी के लिए मुझे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा एक अलग से क्लास बना लूँगा यहाँ पे डी फ्लैक्स करके, क्योंकि आगे जाके मान लो कि आपको कहीं पे भी डिस्प्ले फ्लैक्स की ज़रूरत हो तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डी फ्लैक्स करके मैंने एक क्लास बना लिया है, डी डैश फ्लैक्स करके मैं नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, नाम का कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे पहले डी फ्लैक्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है फ्लैक्स डैश रैप, ओके। रैप के अंदर हम लिख देते हैं रैप, राइट। इसके अंदर दो प्रकार की वैल्यू आती है, फर्स्ट आता है फ्लैक्स रैप के अंदर आप रैप लिख सकते हो, उसके बाद नो रैप। नो रैप बाई डिफॉल्ट होता है, मतलब कि क्या होगा कि आपकी जो भी यहाँ पे आप देखोगे ना, तो चार एलिमेंट के आ जाने के बाद जो पांचवा एलिमेंट है वो नीचे से स्टार्ट होगा। अगर आपने जो फ्लैक्स रैप नहीं लिखा है तो क्या करेगा, तो पांचवा एलिमेंट है वो सेम लाइन पे ही आएगा, मतलब कि आप जितने भी एलिमेंट लिखोगे वही सेम लाइन के अंदर वो आते जाएंगे, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जिसपे फ्लैक्स डिफाइन कर दिया उसके अंदर फ्लैक्स रैप लिख दिया, ओके। अब हमें जो भी यहाँ पे इमेज यूज़ की है वो उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो भी इमेजेस वगैरह लिखी है तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और मेरा जो फोल्डर मैंने बनाया है डेमो का उसके अंदर मैंने इमेजेस यहाँ पे लिख ले रखी है। आप चाहो तो इस तरह की इमेजेस आप नेट पे से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आपको इमेजेस का एक फोल्डर बनाना है, उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर मैंने नेम दे दिया है 1.jpg 2, 3, 4, 5, 6, ओके। कई बार ऐसा होता है कि किसी को यहाँ पे 1, 2 इस तरह से ही लिख के आएगा, तो उसको क्या करना है, सिंपली विंडोज 10 या फिर विंडोज 8 OS आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आपको व्यू ऑप्शन में जाना है, व्यू ऑप्शन में जाके यहाँ पे फाइल नेम एंड एक्सटेंशन है उसको टिक कर देना है। अगर अनटिक है तो देखो मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं सेव करेंगे, आप जैसे ही टिक करते हो तो यहाँ पे एक्सटेंशन आपको एनेबल हो जाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे एनेबल कर दिए है, ओके। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ HTML के अंदर। सबसे पहले मुझे इस जो स्ट्रक्चर है उसका नेम मुझे देना है गैलरी, तो मैंने एक पेरेंट डीए भी बना लिया है गैलरी नाम से, ओके। आप जब कहीं पे भी आप क्लास वगैरह नाम रखें तो एक चीज़ खास ध्यान में रखें कि यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर्स में ही यूज़ करना है नाम, ओके। तो मैंने स्मॉल लेटर्स भी यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, गैलरी यहाँ पे मैं लिखूँगा div क्लास, क्लास के अंदर मैं लिख देता हूँ कंटेनर, ओके। कंटेनर के बाद में यहाँ पे लिखूंगा div क्लास, ओके। यहाँ पे मैं सिंपली कॉल करके मैं एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आप देखो, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये जो भी अलग अलग सी ग्रीड है, राइट। तो ग्रीड को मैं सबसे पहले किस तरह से बाइफर्गेट करता हूँ, तो कि पहले यहाँ पे हम देखेंगे कितनी कॉलम्स है, 1, 2, 3, 4, चार कॉलम है, ओके। तो हमें सिंपली क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 4, तो 100 को 4 से डिवाइड करूँगे तो आपको मिलेगा 25%, राइट। तो मैं यहाँ पे CSS के अंदर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे रूल स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले गैलरी, उसके अंदर कॉलम, तो कॉलम की मैं विड्थ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 25%, ओके। मैंने 25% लिख दिया है, ओके। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं सिंपली उसके बाद अगेन मैं एक क्लास ले रहा हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे बॉक्स, ओके। तो ये बॉक्स में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो कॉलम जो भी है, राइट, उस सभी कॉलम के बीच में यहाँ पे गैप आ रहा है, तो गैप रखने के लिए मैंने यहाँ पे बॉक्स नाम की div को मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज को हम सेपरेट रखना चाहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे div क्लास जहाँ पे बॉक्स लिखा है वहाँ पे div क्लास इक्वल्स टू यहाँ पे इमेज को लिख देता हूँ, ताकि मैं इमेज को इंडिविजुअली बॉर्डर प्रोवाइड कर सकूँ, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे इमेज लिख रहा हूँ, उसके बाद src के अंदर हमें यहाँ पे लिखना है इमेजेस, उसके बाद 1.jpg, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा दी है, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो छोटा सा लेबल देना है product 1 करके, तो मैं यहाँ पे HTML का हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे H2 टैग मैंने लिख दिया है,
उसके अंदर मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट वन। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गैलरी करके मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट गैलरी, उसके बाद एच टू, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट लाइन, यहाँ पे दे रहा हूँ सेंटर। ओके, तो गैलरी यहाँ पे लिख दिया है, एच टू टैग मैंने लिख दिया है, उसका अलाइनमेंट मैंने सेंटर दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखूंगा 16 पिक्सल, तो 16 पिक्सल मैंने यहाँ पे दे दिया है। फॉन्ट को मुझे थोड़ा सा बोल्ड रखना है, बाय डिफॉल्ट एच टू टैग यहाँ पे यूज़ किया तो टेक्स्ट है बोल्ड में ही आएंगे, तो उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। तो गैलरी मैंने यहाँ पे लिख दिया गैलरी डॉट कॉलम, कॉलम के विथ मैंने सेट कर दी है 25%, पर वो तभी अप्लाई होगी जब यहाँ पे मैं कंटेनर जो क्लास है वहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई करूँगा। तो डी डैश फ्लैक्स करके मैंने कंटेनर में लगा दिया है। एक बार वीडियो को पॉज करके कोड अपना कंपेयर कर लो, क्योंकि आपका कोई स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके, उसके बाद मैंने यहाँ कंटेनर डी फ्लैक्स करके मैंने लिख दिया है, कॉलम्स बना ली है। ओके, और इमेज है उसकी मैं हाइट इस एरिया की मैं बना देता हूँ कि कितनी हाइट के अंदर वो एरिया के अंदर इमेज आनी चाहिए। देखो यहाँ पे गैलरी कॉलम करके मैं लिख रहा हूँ डॉट गैलरी, उसके बाद डॉट इमेज, और यहाँ पे मैं हाइट लिख रहा हूँ 170 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने हाइट दे दी है। उसके बाद आप देखोगे कि डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे बॉर्डर दी गई है, राइट, ग्रे कलर में। तो मैं बॉर्डर यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा, बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉर्डर, उसके बाद मैं यहाँ देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड, और उसके बाद मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। तो बॉर्डर का यहाँ पे 3 पिक्सल की बॉर्डर आ गई है, उसके अराउंड ही वो एक बॉर्डर का कलर भी डिफाइन कर दिया है ट्रिपल सी करके। तो यहाँ पे इमेज की हाइट भी डिफाइन हो गई, यहाँ पे बॉर्डर भी डिफाइन हो गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ओके, तो देखते हैं आगे। ओके, तो बॉर्डर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे होवर की इफेक्ट यहाँ पे रखी हुई है, उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर जो थोड़ा सा गैप है वो गैप हम ठीक कर लेते हैं कि गैप किस तरह से रखेंगे। ओके, तो वो हम बाद में करके सबसे पहले एग्जांपल को रन करके देखते हैं कि किस तरह से ये अभी आउटपुट आ रहा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल रन कर लिया है, तो यहाँ पे जो इमेज है वगैरह परफेक्टली आ रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वन करके लिखा हुआ है, तो लेबल भी क्या हुआ है इमेज के अंदर आ गया है। ओके, तो इमेज के अंदर हम और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट करेंगे ग्लोबली कि मैक्स डेस हाइट, उसको हम लगा देते हैं 100%। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे वापस से रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वन के अंदर इमेज आ गई है। ओके, तो यहाँ पे इमेज डिफाइन हो गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो हमने इमेज के अंदर जो हाइट रखी थी ना, वो टेम्पररी हम निकाल देते हैं। ओके, उसके बाद अगेन रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पे इमेज आ गए है, उसके नीचे थोड़ी सी यहाँ पे देखो जगह आ रही है। तो जगह को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉन्ट डेस साइज उसको कर देना है 0 पिक्सल। तो अभी देखो परफेक्टली सेट हो गई है इमेज, उसके अंदर इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन देना है, सॉरी पैडिंग देना है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह आ रही है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज के अंदर पैडिंग, और पैडिंग के अंदर यहाँ पे मैं देता हूँ 3 पिक्सल, और रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जगह भी आ गई है, एलिमेंट भी परफेक्ट हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वन के ऊपर थोड़ी सी जगह रखनी है, तो वो हम डिफाइन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन टॉप यहाँ पे लिख दिया 10 पिक्सल, रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे मार्जिन आ गया है। ओके, अब हम यहाँ पे होवर की इफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे गैलरी थोड़ी सी गैप के अंदर है, तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि जहाँ पे भी हमने कॉलम डिफाइन किया है या फिर गैलरी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ओके, यहाँ पे गैलरी का क्लास नहीं बनाया, इंडिविजुअल हम बना लेते हैं। तो गैलरी हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मार्जिन लिख रहे हैं हम
50 पिक्सल, तो ताकि क्या होगा वो गैप के अंदर वो पूरा का पूरा दिखेगा। तो अभी देखो अभी नीचे आ गया है, परफेक्टली फाइन है। उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पर गैलरी कॉलम को होपर इफेक्ट दे रहे हैं, गैलरी उसके बाद कॉलम, कॉलम को यहाँ पे दे रहे हैं होवर। होवर के अंदर हम क्या लिखेंगे कि बॉर्डर का कलर हमें चेंज करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गैलरी के अंदर जो कॉलम है उसको हम होवर करेंगे, तब हमें क्या करना है, इमेज को चेंज करना है। तो इसलिए मैंने इस तरह से रूल बनाया है कि गैलरी के अंदर कॉलम को जब भी आप होवर करोगे, उसके बाद इमेज के अंदर क्या होगा कि हम लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर डैश कलर। बॉर्डर का सिर्फ हम कलर ही चेंज करना है, रेड पे हमें जाना है, तो यहाँ पे रेड का कलर कोड मैं दे देता हूँ, ओके। और सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। और माउस की जो कर्सर है उसको मुझे पॉइंटर की साइज पे करना है, तो मैं यहाँ पे होवर के अंदर लिख देता हूँ कर्सर, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंटर, और रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे पॉइंटर की साइन भी आ गई और गैलरी के अंदर इमेज भी परफेक्टली शो हो रहा है। आगे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जिस तरह से कॉलम्स बनाई है मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कॉलम टू और यहाँ पे इमेज टू। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे फिर से वापस कॉलम थ्री, राइट। तो इस तरह से डिफाइन कर ली, देखो यहाँ पे चार अलग अलग सॉरी तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए। अगेन एक कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर, देखो तो यहाँ पे इमेज भी आ गई। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से गैप है, गैप नहीं आ रहा है। तो गैप को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है कॉलम, कॉलम के अंदर हमें पेडिंग देना पड़ेगा। तो पेडिंग में यहाँ पे अराउंड सेट कर रहा हूँ 30 पिक्सल, उसके बाद हम घटाएंगे पैडिंग को, ओके ज़्यादा हो गया, ओके हम कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 15 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं। तो देखो अभी नाइसली परफेक्टली इमेज वगैरह आ गई है। आप इसी लेआउट को रिपीट करेंगे तो वापस से आपको वही सीक्वेंस आपको दिखाएंगे। देखो मैं यहाँ पे कॉलम्स का स्ट्रक्चर कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद ठीक नीचे रख रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जिस तरह से हमारे डिज़ाइन थी तो उसी तरह से परफेक्टली डिज़ाइन दूसरी बन गई है, राइट। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी में हमने देखा कि किस तरह से आप गैलरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि डिस्प्ले फ्लैक्स जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मान लो कि आपको कोई कॉलम वाइज कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई कंटेंट को अरेंज करना है, तो किस तरह से आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जो जो लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।